नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वाकई यूपी की जेल कमाल की जेल है। अक्सर पुलिस और मुजरिमों के बीच एनकाउंटर होता है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जेल के अंदर पुलिस ने किसी गैंगस्टर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया? यूपी की चित्रकूट जेल में शुक्रवार को कुछ ऐसा ही हुआ। एक गैंगस्टर ने जेल के अंदर बंद दो कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद जेल के अंदर पुलिस पहुंचती और उस गैंगस्टर को एक एनकाउंटर में ढेर कर देती है। जेल के अंदर मारे गए दोनों कैदियों में से एक के बारे में अब कहा जा रहा है कि वो मुख्तार अंसारी का आदमी है। हाँ, अबे हम बोल रहे हैं, सुदीक्षित बोल रहे हैं। हाँ, एक काम करो, क्या मंगाए मुर्गे में? बिरयानी। चलो एक काम करियो कि कम से कम 10 डिब्बे बिरयानी सिग्नेचर की बोतल, दो रोस्टेड। दो यार, हमको बात करना है यार। दो रोस्टेड बड़ी वाली लाल। ये दारू यार कैसे यार ये डिप्टी ला के दे दिए? ये थोड़ी हल्की है भाई। सुनो, दारू जो है इसमें कैसे काम चल रहा है यार? जेल है। अरे जेल एक बोतल शाम को और उससे कह दो। पिवारी डिप्टी से शाम को कह देना एक बोतल। जबकि एक कैदी जिसे पुलिस ने मार गिराया, वो कभी मुख्तार अंसारी का ही शार्प शूटर हुआ करता था। चित्रकूट की जेल शुक्रवार की परेड के बाद अचानक गोलियों की आवाज से थर्रा उठी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जेल में बंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शातिर बदमाश और कम से कम 60 से ज्यादा आपराधिक मामलों के आरोपी मुकीम काला और मुख्तार अंसारी का खासम खास माना जाने वाला मिराज अहमद अपने बैरक में ढेर हो चुके थे। और उन्हें ढेर करने वाला कैदी भी उन्हीं के बैरक में रहने वाला पूर्वांचल का एक खतरनाक गैंगस्टर अंशु दीक्षित था। जी हाँ, वही अंशु दीक्षित जिसका रायबरेली जेल में पार्टी करने का वीडियो आपने कुछ ही देर पहले देखा। सुबह सवेरे गोलियों की आवाज सुनकर पूरे जेल में भूचाल आ गया। जेलर से लेकर तमाम आला अफसर और सुरक्षा कर्मी आनन फानन में बैरक की तरफ दौड़ पड़े। उधर जेल के अंदर एक एक कर दो कैदियों की जान लेने वाला अंशु अपने बैरक में तीन और कैदियों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। हालत कुछ ऐसी हुई कि करीब आधे घंटे तक जेल के सुरक्षाकर्मी भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके, लेकिन फिर जैसे तैसे सुरक्षाकर्मियों ने अंशु को हथियार फेंककर अपने आप को कानून के हवाले करने का हुक्म सुनाया। लेकिन अंशु के इरादे शायद कुछ और ही थे। कई बार समझाने बुझाने के बावजूद वो हथियार फेंकने और सरेंडर करने को राजी नहीं हुआ, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर इस तरह के मामलों में होता है। इस बार गोली पुलिस ने चलाई और पूर्वांचल का गैंगस्टर अंशु दीक्षित उसी बैरक में ढेर हो गया जहां उसने कुछ देर पहले अपने दो साथी कैदियों की लाश बिछाई थी। आज सुबह लगभग 9:30-10 बजे के करीब जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदे द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं और डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद के पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर दो बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई थी। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस पर पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई जिससे उसको गोली लगी। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं, फील्ड यूनिट यहाँ आ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला जो कि शामली का रहने वाला था के रूप में चिन्हित हुआ, जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम महराज है जो कि बनारस का रहने वाला, उसके ऊपर अभी तक 3 मुकदमों की जानकारी है, शेष 12 में से पुलिस से जानकारी की जा रही है। और तीसरा जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है अंशु दीक्षित, वो सीतापुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर से यहाँ प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर आया था, उसके ऊपर भी अभी तक 8 मुकदमे पता चले हैं हत्या के प्रयास और रंगदारी के।
अंशु की गोलियों का शिकार बने मेराज अहमद को इसी साल 20 मार्च को बनारस से चित्रकूट जेल भेजा गया था, जबकि दूसरे शिकार मुकीम काला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जेल से 7 मई 2021 को चित्रकूट जेल लाया गया था। और अंशु पहले रायबरेली जेल में बंद था और उसे वहां से चित्रकूट जेल में ट्रांसफर किया गया। लेकिन इससे पहले भी जेल में कायदे कानून को अपनी जेब में रखने वाले अंशु दीक्षित ने यहां फिर से कोहराम मचा दिया। फिलहाल जेल में बंद अंशु दीक्षित के पास असलहा कहां से आया, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल जेल की सुरक्षा का भी है, लेकिन इन सवालों का जवाब फिलहाल शायद किसी के पास नहीं। असलहा अंदर पहुंचा कैसे? देखिए, जांच का विषय है, जिला कारागार जो है इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, डीएम साहब जिला कारागार जो अथॉरिटीज है उनको लिख के भेज रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको देखिए। ये सब फील्ड यूनिट मौके पे है, वो कब्जे में ले रही है, जैसे डिटेल मिलेंगे फिर आपको ये तो घटना के तो 2 घंटे हो चुके ना सर, ये तो पता लग गया होगा ना कौन सा असलहा था क्या। सूत्रों की माने तो पूर्वांचल के अपराधी अंशु ने किसी के इशारे पर मुकीम काला को मारने की सुपारी ली थी, लेकिन जेल में इस दोहरे कत्ल के बाद पुलिस के हाथों कातिल के भी ढेर हो जाने के साथ ही इस मामले की पूरी साजिश और तमाम सबूतों पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा पड़ गया। वैसे अंशु के हाथों हुए इस दोहरे कत्ल और खुद उसका भी पुलिस के हाथों मारे जाने के इस वारदात का एक कनेक्शन नवंबर 2018 में रायबरेली जेल से वायरल हुए उसके इस वीडियो से भी जुड़ता है। सूत्रों की माने तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद रायबरेली जेल के साथ साथ पूरे यूपी जेल विभाग की जबरदस्त किरकिरी हुई थी, क्योंकि इस वीडियो में अंशु अपने गुर्गों के साथ न सिर्फ जेल में खुलेआम शराब पीते हुए कैमरे में कैद हुआ था, बल्कि खुद उसके गुर्गों ने ही वीडियो भी शूट किया था और वीडियो में ही गोलियां भी दिख रही थी। और तो और अंशु फोन पर किसी से जेलर को 10,000 रुपए की रिश्वत भिजवाने की भी बात कह रहा था। ऐसे में जेल प्रशासन के पास अंशु को रायबरेली जेल से ट्रांसफर करवाने के सिवाय अपनी झेप मिटाने का और कोई चारा नहीं था, और इसी के बाद से अंशु चित्रकूट जेल में रह रहा था। लेकिन शुक्रवार को यहां जो कुछ हुआ वो बेहद अप्रत्याशित था। चित्रकूट की जेल में हुए कत्लेआम और फिर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कैदियों के आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो वो भी अपने आप में कम चौंकाने वाला नहीं है। कभी चिनाई यानी राजमिस्त्री का काम करने वाले मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना थाना इलाके के जहानपुरा गांव का रहने वाला था, लेकिन कर्ची छोड़कर मुकीम ने असलहा क्या थामा। जुर्म की दुनिया में उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक बार सहारनपुर के तनिष्क शोरूम में इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर 10 करोड़ रुपए की डकैती डाली और हर किसी को सख्ते में डाल दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके पास से तमाम असलहों के साथ साथ AK-47 जैसा खौफनाक हथियार भी बरामद किया। मुकीम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के अलावा दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में 61 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें लूट, रंगदारी, अपहरण, फिरौती वसूली के संगीन गुनाहों के 35 मामले शामिल हैं। मुकीम के एक दूसरे भाई वसीम काला को UPSTF ने साल 2017 में एक एनकाउंटर के दौरान मेरठ में ढेर कर दिया था। मुकीम के पकड़े जाने के बाद पुलिस के हाथों उसकी पिटाई और इंटरोगेशन का एक वीडियो भी कुछ साल पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो पुलिस वालों से माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा था। बनारस के रहने वाले मेराज अहमद की अंशु दीक्षित से पुरानी दुश्मनी थी। मेराज पहले मुन्ना बजरंगी का खासम खास हुआ करता था और फिर मुख्तार का गुर्गा बन गया। असल में वो नाजायज असलहे की तस्करी के कारोबार से जुड़ा था और बदमाशों को हथियार सप्लाई किया करता था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसने कई असलहों के नकली लाइसेंस भी बनवाए थे और उस पर 3 से 4 आपराधिक मामले दर्ज थे। पिछले साल 3 अक्टूबर को उसने बनारस के जैतपुरा थाने में सरेंडर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां से उसे 20 मार्च 2021 को चित्रकूट जेल ट्रांसफर किया गया। और इत्तेफाक से यहां वो उसी अंशु दीक्षित के बैरक में बंद हुआ जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी थी। ठीक इसी तरह आज के डबल मर्डर के मास्टरमाइंड
अंशु दीक्षित का भी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। अंशु दीक्षित पर कत्ल, लूट और अपहरण समेत कई संगीन गुनाहों के 8 मामले दर्ज हैं। अंशु पर गोरखपुर के सीएमओ के कत्ल का इल्जाम था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। सीतापुर के रहने वाले अंशु को पुलिस ने एक बार बिहार के गोपालगंज से नाजायज असलहों के साथ भी पकड़ा था। अंशु भी किसी जमाने में मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर के तौर पर काम करता था। उसने 27 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एसटीएफ पर गोली चलाई थी, जिसके बाद उसे दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन रायबरेली जेल में उसकी पार्टी और गुंडा राज का वीडियो वायरल होने के बाद उसे चित्रकूट जेल भेज दिया गया। चित्रकूट से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल यूपी की जेल जेल नहीं बल्कि ऐशगाह है। बस आपके पास पैसे होने चाहिए और पहुंच, फिर देखिए जेल में क्या खेल होता है। सारी आराम और आसाइश की चीजें जेल के अंदर ही मुहैया हो जाएंगी। यूपी की जेलों की ऐसी तस्वीरें जब तब हमारे सामने भी आती रहती हैं। अब जब जेल में हथियार होंगे, गोली होंगे, सब कुछ मुहैया है, तो फिर जेल के अंदर खून खराबा कैसे नहीं होगा। यूपी की जेलों में कैदियों के कत्ल का पुराना इतिहास रहा है। पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अलग अलग जेलों में बंद 8 से ज्यादा कैदियों का कत्ल हो चुका है। लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए कैदियों के रिकॉर्ड तो खैर इससे भी ज्यादा हैं। 22 जून 2011 यूपी के बदनाम एनआरएचएम स्कैम के मुख्य आरोपी वाईसी सचान का लखनऊ जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश जेल के अंदर रहस्यमय हालत में पड़ी पाई गई। हालांकि बाद में इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले की गई और सीबीआई ने अपनी जांच में इसे खुदकुशी करार दिया। लेकिन सचान के घरवाले उसकी मौत को आज भी कत्ल ही मानते हैं। 13 मई 2015 मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर रहे अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू का बनारस की जेल में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके कत्ल का इल्जाम कत्ल के ही एक दूसरे मामले में बनारस जेल में बंद संतोष गुप्ता पर लगा। 9 जुलाई 2018 गैंगस्टर प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी का यूपी की बागपत जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। उसे जेल के अंदर उसके साथी कैदियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। उसके कत्ल का इल्जाम सुनील राठी नाम के एक दूसरे बदमाश पर लगा। इत्तेफाक देखिए कि मुन्ना के कत्ल के हफ्ते भर पहले ही उसकी बीवी ने उसके कत्ल की आशंका जताई थी और उसे सुरक्षा देने की मांग की थी। 2 अप्रैल 2020 इटावा जेल में तो 2 अप्रैल 2020 को कैदियों के दो गुटों के बीच गैंगवार ही हो गया और इस गैंगवार में मोनू पहाड़ी नाम के एक शातिर शार्प शूटर का कत्ल कर दिया गया। 2 मई 2020 ठीक एक महीने बाद यूपी के ही बागपत जेल में एक और गैंगवार हुआ, जिसमें कैदियों के दो गुट आपस में भिड़ गए और इस गैंगवार में बागपत के ही बस्सी गांव के रहने वाले ऋषिपाल नाम के एक कैदी का कत्ल हो गया। जेल सूत्रों की माने तो ऋषिपाल का कत्ल जेल में बंद बबलू कश्यप और उसके साथियों ने किया। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कहीं भी किसी को भी कभी भी ठोक सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, कानून व्यवस्था नाम की चीज यहाँ है ही नहीं। कोई जेलों में जो बड़े बड़े माफिया बंद हैं, उनके पास जेल के अंदर असले पहुंच जाते हैं, वहां गैंगवार शुरू हो जाता है जेल के अंदर में, जेल के अंदर में गैंगवार, जेल के बाहर गैंगवार, तो फिर कानून व्यवस्था कहां उत्तर प्रदेश के अंदर में? फिर तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज तो यहाँ है ही नहीं। साफ है कि यूपी शासन जेलों की सुरक्षा व्यवस्था चाहे लाख चाक चौबंद होने का दावा करे, लेकिन यूपी की जेलों में कब कहां कौन सा कैदी किससे भिड़ जाए और किसकी जान ले ले, ये कोई नहीं जानता। हद तो ये है कि यूपी की जेलों में कैदियों के पास ऐसा शायद ही कोई असलहा या मोबाइल फोन हो जो बाहर किसी को न मिलता हो। ऐसे में जेल में गैंगवार और कत्ल का होना खैर एक आम बात तो है ही। जेल में बैठे बैठे कैदी अपना क्राइम सिंडिकेट भी चलाते हैं, इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है। चित्रकूट से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। शायद मुख्तार अंसारी इसीलिए यूपी की जेल नहीं आना चाहता था। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।